हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ गिवन कैपेसिटर। यहां पे आप लोग डायग्राम में देख सकते हो कि आपको एक कैपेसिटर दिया हुआ है और ये जो कैपेसिटर है इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसके कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है कुछ इस तरह से सी इज इक्वल्स टू इप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन बी। यहाँ पे इप्सिलॉन नॉट इज अ परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, के इज डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, A is area of the plate and D is a distance between two plates. डायग्राम में अगर हम लोग देखते हैं तो यहां पे दो प्लेट के बीच का जो एरिया है इट इज फिल्ड विद डायलेक्ट्रिक, पर डायलेक्ट्रिक कुछ इस टाइप से प्लेस किया है कि इट्स एरिया इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, दो पार्ट में एरिया डिवाइड हो चुका है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के पहले हमको ये समझना होगा कि ये जो कैपेसिटर है इसका स्ट्रक्चर किस टाइप से हो सकता है या फिर ये जो कैपेसिटर है इसका अरेंजमेंट कैसे होगा, क्योंकि इस डायलेक्ट्रिक मीडियम की वजह से इस कैपेसिटर का एरिया डिवाइड हुआ है, इसका इक्विवेलेंट जो सर्किट बनेगा कुछ ऐसे बनेगा, ये इस टाइप से, ये पहला कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर और इट इज कनेक्टेड लाइक दिस। मतलब ये जो कनेक्शन है ये पैरेलल कनेक्शन के तौर रहेगा, क्योंकि देखो यहां से अगर मैं इसको पॉजिटिव टर्मिनल अगर ले लेता हूं और इसको नेगेटिव टर्मिनल, तो करंट यहां पे ऐसे आएगा, करंट विल डिवाइड लाइक दिस, इट विल फ्लो लाइक दिस एंड इट विल रिकम्बाइन इन दिस केस। मतलब क्या, ये पैरेलल सर्किट है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अब इसका कैपेसिटेंस सी वन, इसका सी टू, और हमें पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों कैपेसिटेंस के सम होती है, तो therefore C1 equals to यहां पे हो जाएगा by this formula epsilon not K1 A by 2, या फिर हम लोग ठीक है A by 2 डायरेक्ट लिख सकते, divide by D, दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, इट इज D as it is, बट जो एरिया है टोटल एरिया अगर A है तो हाफ एरिया A by 2, जहां पे डायरेक्ट मीडियम K1 है, एंड C2 is equals to epsilon not K2 फिर से A by 2 upon D, क्योंकि कॉम्बिनेशन जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन है, हम लोग दोनों का सम कर लेते हैं, सॉरी क्या कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो रिजल्टेंट विल बी सी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू सी वन प्लस सी टू इज इक्वल्स टू, तो चलो वैल्यूज लिख देते हैं, इप्सिलॉन नॉट के ए बाय टू डिवाइड बाय डी प्लस इप्सिलॉन नॉट, यहां पे के वन रहेगा, के टू ए बाय टू डिवाइड बाय डी। अब यहां से जो टर्म कॉमन आते हैं हम उसको कॉमन ले सकते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा ए बाय टू और डी, तो ब्रैकेट में बचेगा के वन प्लस के टू, इसको सिंप्लीफाई फिर से कर सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन टू डी, सो दैट इज के वन प्लस के टू, दैट इज सी इक्विवेलेंट। तो ये हो गया इस सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। क्योंकि तो यहां पे ये जो चीज है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब दो कैपेसिटर्स पैरेलल होते हैं या फिर पैरेलल कनेक्शन में लगा होता है और दोनों के डायलेक्ट्रिक मीडियम अगर अलग है तो उनके डायलेक्ट्रिक मीडियम की सॉरी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डायरेक्टली क्या होती है, सम हो जाती है। यहां पे फिर से एक बार मैं रिपीट करूंगा कि जब दो कैपेसिटर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं और उनके बीच में जो डायलेक्ट्रिक मीडियम है, मतलब पहले प्लेट में और दूसरे प्लेट में या फिर पहले कैपेसिटर में और दूसरे कैपेसिटर में दो अलग अलग डायलेक्ट्रिक मीडियम अगर रखे हुए हैं तो उनके डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डायरेक्टली सम होती है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं, सेकंड प्रॉब्लम में भी ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके कैपेसिटेंस की वैल्यू उस फॉर्मूले से मिलेगी जो हमने पहले भी देखा था पहले प्रॉब्लम में, लेकिन यहां पर भी जो डायलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस किया हुआ है वो कुछ इस तरह से कि इट डिवाइड्स द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इन टू पार्ट्स। लास्ट टाइम अगर आपको याद होगा पहले प्रॉब्लम में हमने देखा था कि डायलेक्ट्रिक मीडियम कुछ इस टाइप का रखा था कि प्लेट का एरिया डिवाइड हुआ था, अब इस केस में डिस्टेंस डिवाइड हुआ है और प्लेट का एरिया अभी ए है। तो सबसे पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कि ये कॉम्बिनेशन कैसा है। लास्ट टाइम अगर आपको याद होगा तो पैरेलल कॉम्बिनेशन था, अब ये कॉम्बिनेशन कैसे होगा चलो चेक करते हैं। देखो करंट ये ए टर्मिनल है, ये बी टर्मिनल, करंट अगर यहां से अगर ऐसे आ रहा है तो पहले डायलेक्ट्रिक से होकर फिर दूसरे डायलेक्ट्रिक में जाएगा और फिर बी में जाएगा। इसका मतलब ये कि ये जो अरेंजमेंट है ये सीरीज कॉम्बिनेशन या फिर सीरीज अरेंजमेंट है, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, ये ए, ये कैपेसिटर सी वन, उसके बाद ये सी टू और ये बी टर्मिनल, हम लोग इसको कुछ डिजाइनिंग स्टाइल से कर सकते हैं।
नाउ फिर सी वन कितना होगा, देयर फोर सी वन इक्वल्स हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट के वन ए डिवाइड बाय डी बाय टू, क्योंकि यहां पे डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स पहले पार्ट के लिए है डी बाय टू, और सी टू की वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट के टू ए अपॉन डी बाय टू, क्योंकि यहां पे भी दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस जिसमें डायरेक्ट मीडियम के टू रखा है वो है डी बाय टू और एरिया सेम है, क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। आपको पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट वैल्यू होती है कुछ ऐसे होती है, वन अपॉन सी इक्विवेलेंट दैट इज सी वन वन अपॉन सी टू, तो चलो वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा वन अपॉन इप्सिलॉन नॉट के वन ए डिवाइड बाय डी बाय टू प्लस वन अपॉन इप्सिलॉन नॉट के वन ए डिवाइड बाय डी बाय टू। हमें पता है कि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ये न्यूमरेटर होता है, डी बाय टू जाएगा न्यूमरेटर में, सो दिस विल बी डी बाय टू डिवाइड बाय इप्सिलॉन नॉट के वन ए प्लस डी बाय टू इप्सिलॉन नॉट के टू ए, सॉरी यहां पे के टू चाहिए, इट इज वन अपॉन सी इक्विवेलेंट, तो वन अपॉन सी इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, चलो जो टर्म कॉमन आते हैं बाहर ले लेते हैं, डी बाय टू बाहर आ जाएगा इप्सिलॉन नॉट ए और ब्रैकेट में बचेगा वन अपॉन के वन प्लस वन अपॉन के टू, तो दिस वर्ड इक्विवेलेंट। हम लोग इसका रेसिप्रोकल भी लेंगे, लेकिन उसके पहले यहां पे हम लोग फोकस करते हैं कि जब दो कैपेसिटर्स जिसमें डायलेक्ट्रिक मीडियम अलग अलग है, डिफरेंट वैल्यूज के डायलेक्ट्रिक मीडियम रखे हैं, तो इस सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए डायलेक्ट्रिक जो मीडियम होता है उस डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू इस फॉर्म में हमको मिलती है। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में था डायरेक्ट एडिशन के वन प्लस के टू पैरेलल के लिए और सीरीज के लिए इस टाइप से, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं लोग, डी बाय टू इप्सिलॉन नॉट ए, इसको मैं लिखूंगा के टू प्लस के वन डिवाइड बाय के वन के टू, सो वन अपॉन सी इक्वल ये था, इसका रेसिप्रोकल अगर ले लेते हैं पर इसको एक बार और लिख देते हैं, डी अपॉन टू इप्सिलॉन नॉट ए के वन के टू डिवाइड बाय के वन इन टू के टू, सो वन अपॉन सी इक्वेलेंट, सो देयर फोर सी इक्वेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर दो, टू इप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये हो जाएगा के वन के टू डिवाइड बाय के वन प्लस के टू, सो दिस वॉट द इक्विवेलेंट वैल्यू फॉर दिस गिवन सर्किट। तो पूरा फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये ऐसी कुछ चीजें होती है जो कंसेप्ट पॉइंट में आते हैं कि अगर आप लोग याद रखते हो तो कुछ कैलकुलेशन का जो लेंथ है उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। फिर से एक बार, पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो डायलेक्ट्रिक मीडियम की वैल्यू को हम लोग के वन प्लस के टू लिखेंगे और सीरीज कॉम्बिनेशन में वन अपॉन के इक्वल्स टू वन अपॉन के वन प्लस वन अपॉन के टू, दैट इज इक्विवेलेंट वैल्यू। थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं, यहां पे जो पैरेलल प्लेट है उसके बीच में डायलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस किया है, बट डायलेक्ट्रिक मीडियम कुछ इस टाइप से रखा है कि फर्स्ट पार्ट में डायलेक्ट्रिक मीडियम है और दूसरी जगह पे वैक्यूम है या फिर डायलेक्ट्रिक मीडियम प्रेजेंट नहीं है। सो फिर से वही कि पहले हमको ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो कॉम्बिनेशन ये कैसे बनेगा। देखो करंट अगर यहां से अगर आ रहा है तो वी अज्यूम और वी सपोज कि करंट यहां पे ऐसे डिवाइड होगा, इट विल फ्लो थ्रू दिस वन एंड इट विल मूव कंबाइंड दिस, तो इसका मतलब ये होता है कि ये एक फिर से पैरेलल कॉम्बिनेशन बन जाता है, ये बी टर्मिनल और ये ए टर्मिनल, राइट। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों कैपेसिटर की फिर से सम होगी। पहला जो प्रॉब्लम देखा था वहां पे ज्यादा कुछ नहीं, ये जो डायग्राम थी ये ऐसे थी, ऊपर में पॉजिटिव था टर्मिनल और नीचे में निगेटिव, बस उसको हमने टर्न कर दिया अभी, बाकी कोई चेंजेस नहीं ज्यादा। सो यहां पे सी वन हो जाएगा, सी वन इसको मैं सी वन बोल देता हूं और इसको सी टू, तो बाय दिस फॉर्मूला हियर इट इज इप्सिलॉन नॉट के ए बाय टू बाय डी, क्योंकि यहां पे डायलेक्ट्रिक मीडियम कुछ इस तरह से प्लेस किया है कि डिस्टेंस जो है दो प्लेट के बीच का वो सेम है, जो एरिया है वो डिवाइड हो चुका है और इसलिए ए बाय टू, एंड सी टू हम लोग लिखेंगे यहां पे इप्सिलॉन नॉट इंटू वन इंटू, या फिर इंटू नहीं लिखा तो भी चलेगा, हम लोग इसको रब कर देते हैं, तो ये लिखूंगा मैं यहां पे ए बाय टू बाय डी, क्योंकि यहां पे कुछ भी नहीं है, वैक्यूम प्रेजेंट है और इसलिए डायरेक्ट कॉन्स्टेंट की वैल्यू होती है वन। सो क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है जो इक्विवेलेंट वैल्यू रहेगी इसकी वो रहेगी सी वन प्लस सी टू, सो सी वन इज इप्सिलॉन नॉट के ए बाय टू अपॉन डी प्लस
इप्सिलॉन नॉट ए बाय टू डिवाइड डी। सो चलो जो टर्म सेम है उसको कॉमन कर देते हैं, इप्सिलॉन नॉट ए बाय टू बाय डी ये बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा के प्लस वन। सो फाइनली इट इज इप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय टू डी के प्लस वन। सो दिस इज द डायरेक्टिव कॉन्स्टेंट फॉर फर्स्ट मीडियम और इट इज द डायरेक्टिव कॉन्स्टेंट फॉर सेकेंड मीडियम। पहले प्रॉब्लम में के वन प्लस के टू था क्योंकि दोनों की वैल्यू के वन और के टू दी थी, यहाँ पे सेकंड जो है वो वैक्यूम है जहां पे k की वैल्यू 1 हो जाती है। तो सिंपल सा फॉर्मूला फिर से वही कि जब दो कैपेसिटर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं तो उनके डायरेक्टली कांस्टेंट की वैल्यू की डायरेक्ट सम हो जाती है। यहां पे हमें फाइंड करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। देखो कैपेसिटर कुछ इस टाइप से है कि इसका जो प्लेट है उसका एरिया है a एंड डिस्टेंस ऑफ दिस पार्ट इज स्मॉल a बाय 2, दिस वन इज स्मॉल a बाय 2 और ये रहेगा स्मॉल a बाय 2। मतलब हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे टोटल कैपेसिटर को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये इसका फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे मैं डॉटेड लाइन से इसको सेपरेट कर रहा हूं, ये पहला पार्ट हो गया, देन ये हो गया दूसरा पार्ट और ये हो गया आखिरी का तीसरा पार्ट। तो अगर ये तीन अलग अलग पार्ट है और ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल, तो इस टर्मिनल के हिसाब से इसका जो अरेंजमेंट है ये पहले हमको चेक करना पड़ेगा। इसका अरेंजमेंट हो जाता है यहाँ पे पैरेलल, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी कुछ प्रॉब्लम में देखा कि अगर यहां से करंट अगर आ रहा है तो ये ऐसे डिवाइड हो जाएगा करंट और यहां पे आकर फिर से कंबाइन होकर क्यू में आ जाएगा। मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है ये कुछ इस टाइप से पैरेलल कॉम्बिनेशन, यहां पे ये पॉजिटिव टर्मिनल पी और यहां पे ये नेगेटिव टर्मिनल क्यू। ओके तो अब इतना तो क्लियर हो चुका है कि ये जो कॉम्बिनेशन ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। फिर हम लोग सिंगल सिंगल कैपेसिटर्स के यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे इसकी कैपेसिटी, मैं इसको C1 बोल देता हूं, इसकी कैपेसिटी C2 और इसकी C3। क्योंकि ये पैरेलल पेड कॉम्बिनेशन है यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट के ए बाय डी, डी इज अ डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, ए इज अ एरिया। क्योंकि यहां पे कोई भी डायरेक्टेड मीडियम नहीं दिखा है, सो k की वैल्यू यहां पे रहेगी 1, मतलब एप्सिलॉन ए सॉरी एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, ये बन जाएगा फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं C1 के लिए, C1 इक्वल्स टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए। देखो ये टोटल प्लेट ए है और ये इक्वल प्लेट में डिवाइड किया गया है, ये डायग्राम में गिवन होता है कि ये ए बाय 3 पार्ट है, ये भी a बाय 3 पार्ट है और ये भी a बाय 3 पार्ट है, ये डायग्राम में ऑलरेडी गिवन था। तो फिर टोटल एरिया a, तो इतने प्लेट का एरिया कितना हो रहा है a बाय 3, ये रहेगा a बाय 3 और डिस्टेंस बिटवीन प्लेट है a बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 3 नीचे आएगा 2 ऊपर जाएगा, मतलब 2 इप्सिलॉन नॉट a अपॉन 3 a, ये हो गई पहले प्लेट पहले कैपेसिटर की कैपेसिटी। देन सेकंड c2, यहां पे अगर देखते हैं तो इप्सिलॉन नॉट एरिया फिर से a बाय 3 डिवाइड बाय, देखो दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये था a बाय 2 और ये भी बाय 2, मतलब टोटल हो गया a, मतलब यहां पे हो जाएगा इप्सिलॉन नॉट a अपॉन 3a। एंड थर्ड c3 इज इक्वल्स टू फिर से सेम फॉर्मूले का यूज करके इप्सिलॉन नॉट एरिया a बाय 3, नाउ डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स व्हाट इट इज a बाय 2, इतना a बाय 2 और ये फिर से a बाय 2, मतलब टोटल हो जाएगा 3 a बाय 2, मतलब ये 2 इप्सिलॉन नॉट a अपॉन 9 a, राइट। तो ये हो गया तीनों प्लेट की कैपेसिटी, इसका c1 c2 और ये c3। तो क्योंकि तीनों भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग तीनों का सम कर लेंगे, यहाँ पे c इज इक्वल्स टू होगा c1 प्लस c2 प्लस c3 इक्वल्स टू 2 इप्सिलॉन नॉट a बाय 3 a प्लस इप्सिलॉन नॉट a बाय 3 a प्लस 2 इप्सिलॉन नॉट a बाय 9 a। तो अब जो टर्म यहाँ पे कॉमन है उसको बाहर ले लेते हैं, इप्सिलॉन नॉट a अपॉन स्मॉल a कॉमन है, ब्रैकेट में रहेगा 2 बाय 3 प्लस 1 बाय 3 प्लस 2 बाय 9 विच इज इक्वल्स टू इप्सिलॉन नॉट a बाय स्मॉल a, एलसीएम ले लेते यहाँ पे 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 प्लस 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 प्लस यहाँ पे जाएगा 2, सो इट इज इप्सिलॉन नॉट a बाय स्मॉल a 6 प्लस
3 9 9 plus 2 11 11 by 9. सो फाइनली इट इज 11 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 9 ए. ये हो जाता है नेट कैपेसिटेंस ऑफ दिस सर्किट.